जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। ही क्लियरली वांट्स टू हैव इंडिया फ्रंट एंड सेंटर इन प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका आशीर्वाद। तुर्की नेपाल जैसे देशों में आए भूकंप पीड़ितों की मदद का मामला रहा हो, या फिर कोरोना की वैक्सीन दुनिया में कई देशों को देने की बात रही हो, या फिर जीरो हंगर का मुद्दा रहा हो, भारत ने जिस तरह से हर सिचुएशन में आगे रहने का साहस दिखाया है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत हर काम में आगे रहता है। अब इस बीच पीएम मोदी 23 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करते दिखे। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती पर जैसे रखा कदम, वैसे मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा अमेरिका। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर लिए कुछ ऐसे डिसीजन कि पूरा यूरोप हिल गया। यूनाइटेड नेशन में भारत की पावर देख कुर्सी छोड़ भागे कई मुस्लिम देश। दशकों पुराना इतिहास भारत ने एक झटके में बदल डाला। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी इस समय अमेरिका पहुंच चुके हैं। मोदी ने जैसे अमेरिका में अपना कदम रखा, वैसे उनका भव्य स्वागत हुआ। खुद जो बाइडेन ने मोदी का पूरे गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। बाइडेन पीएम मोदी का हाथ पकड़कर व्हाइट हाउस के अंदर ले गए। इसके साथ ही दोस्तों, पूरी दुनिया में इस समय हलचल मची हुई है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के जो अभी एक दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब पूरा सिनेरियो बदल चुका है। अमेरिका ने अपनी दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश की है कि कयास लगाने वाले देशों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। कनाडा, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे देशों में भूचाल आ गया है। मोदी और अमेरिका की दोस्ती ने इन देशों को ऐसा झटका दिया है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने भारत को वह तोहफा दे दिया है जिसका अब तक भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था। यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के अमेरिका ने अपनी आखिरी मोहर लगा दी है, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अब चीन के भी सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन भारत के आगे पीछे दुम हिलाते हुए दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग के सारे होश ठिकाने आ गए हैं। अभी अभी एक और चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद से चीन में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसके अलावा भारत ने कई देशों को कड़ी चुनौती भी दे डाली है। अमेरिका की धरती से पीएम मोदी के स्पीच सुनकर कई देशों के कान खड़े हो गए हैं, तो कई देश थर थर कांपने भी लगे हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जो देश भारत के विरोध में अभी तक खड़े हुए थे, लेकिन मोदी की स्पीच ने उनको इस तरह मोह लिया कि वह अब इंडिया के सपोर्ट में अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की मीटिंग काफी रात तक चली, और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान, चीन और कई मुस्लिम देशों को अपने रडार में लेते हुए कई बड़े डिसीजन लिए। और इस दौरान भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ खड़ा रहा, यानी स्क्वाड देश की मौजूदगी में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। और चार महाशक्तियों की पावर एक साथ देखकर चीन और पाकिस्तान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, किस तरह से भारत ने मुस्लिम देशों को सबक सिखाया है और चीन को किस तरह की धमकी दे डाली है जिससे उसके होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है? दोस्तों, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, उसके बाद से ही एक के बाद एक मोदी ने अपने भाषणों की झड़ी लगा दी है। पूरा अमेरिका मोदी के नारों से गूंज उठा है। और सबसे कमल की बात तो यह है कि अमेरिका में भारी बारिश होने के बावजूद भी लोगों का मोदी प्रेम इस तरह दिखा कि बारिश की परवाह किए बिना लोग मोदी के स्वागत में रोड पर उतर आए। और इतना ही नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी भारत के वेलकम की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से कर रखी थी, जिसको लेकर के खबर अब सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं इस चीज को लेकर के अब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर भारत अमेरिका किस मकसद से जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच ऐसी कौन सी डील होने जा रही है जो भारत को महाशक्तिशाली बना देगी है? और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि भारत के वीटो पावर पर इतनी बड़ी मोहर लग जाएगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं था।
लेकिन अब भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि यूएन में भारत के वीटो पावर को लेकर के लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही है और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सभा में बीते दो दिन पहले से ही भारी हलचल देखी जा रही थी, जिसमें भारत के वीटो पावर को लेकर के दुनिया के 158 कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट मिल चुका है और इसके साथ ही अमेरिका ने अब इस सपोर्ट को लेकर के जो कहा है वह सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि बता दें कि अब अमेरिका ने भारत की वीटो पावर को लेकर के अपना फाइनल साइन कर दिया है। अमेरिका के इस फाइनल मोहर के लगते ही अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि भारत को वीटो पावर मिलने से कोई नहीं रोक सकता और इस खबर के सामने आने के बाद कनाडा के गालों पर करारा तमाचा लगा है, क्योंकि यह वही कनाडा है जो भारत को अमेरिका की कोर्ट में घसीटने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है। अमेरिका ने कनाडा को तगड़ा झटका दे दिया है। इसके बाद से चीन ही नहीं कई मुस्लिम देशों के भी स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बता दें कि चीन ने खुद कहा है कि इंडिया और चीन के बीच कोई डिफरेंसेस नहीं है और एक बार फिर चीन और भारत भाई भाई वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया है। चीन अब भारत की चापलूसी करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसके जहां में अब डर बैठ गया है कि भारत के हां में हां अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। और देखा जाए तो जिस तरह से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर अपनी दहाड़ लगाई है, अपनी भाषण की झड़ी लगा दी है और वह पूरी दुनिया ने सुना और मोदी के भाषण को सुनने के बाद पूरी दुनिया को यह समझ आ गया है कि भारत की ताकत अब पूरे विश्व में किस कदर से फैल चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी भारत के इस भाषण के बाद ताली बजाता हुआ दिखाई दिया। दरअसल पीएम मोदी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ अमेरिका के करोड़ों लोगों को संबोधित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा अमेरिका गूंज चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के तमाम देशों को आड़े हाथों भी लिया है, वह देश जो अब तक भारत के लिए रोड़ा बनते आए हैं। और इतना ही नहीं, वह देश जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत आगे डेवलपमेंट करे, उनको भी भारत ने अपनी रडार पर सीधा लिया है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के सबसे करीबी मित्र रूस ने भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि भारत का हर एक कदम काबिले तारीफ है, भारत को वीटो पावर मिले इस पर मेरी भी फाइनल मोहर है। भारत और अमेरिका कितना भी नजदीक आ जाए, लेकिन भारत और हमारा जो रिश्ता है वह पहले से बना हुआ रिश्ता है, उस पर कोई दरार नहीं आ सकती है। जिस तरह भारत हमारे लिए हर समय खड़ा रहता है, इस तरह हम भी भारत के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर मिलने से किसी देश को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि भारत की जो नीति है वसुधैव कुटुम्बकम, उससे हर कोई परिचित है, इसलिए भारत को वीटो पावर मिलना ही चाहिए। और आपको बता दें, कई मुस्लिम राष्ट्रों की हालत खस्ता हो गई है। ईरान, तुर्की जैसे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी भारत ने अपने रडार पर ले लिया है। वह देश भी यह समझ रहे हैं कि भारत की ताकत किस हद तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अमेरिकी डेलीगेट्स मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी ऑल्बेनीस ने भारत का पक्ष लेते हुए कनाडा को बुरी तरह से लताड़ा है। दरअसल कनाडा खालिस्तानी आतंकी पन्नू को लेकर के जो भारत पर निशाना कनाडा ने साधा था और भारत से अपने रिश्ते संबंधों को खराब करने की कोशिश की थी, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया ने सीधे कनाडा को चुनौती दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मैं कनाडा की तरह नहीं कर सकता हूं और भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर है। अब आप समझ सकते हैं कि जो लग रहा था कि अमेरिका कनाडा का सहयोग कर रहा है, लेकिन वह अमेरिका कनाडा को ही बीच में छोड़ करके भारत का हाथ थाम चुका है। दोस्तों, ये तो एक दिन की झलक है। पीएम मोदी अमेरिका में एक दिन और रहेंगे और इस बीच और बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच कुछ ऐसे गुप्त मीटिंग भी रखी जाएगी और इस मीटिंग के दौरान कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा। इसलिए चीन को डर लग रहा है कि इस मीटिंग के दौरान हमारे खिलाफ कोई डिसीजन ना लिया जाए, इसलिए चीन ने भारत से साफ साफ कह दिया है कि हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हमारे संबंध अब बेहतर हो रहे हैं, आगे हम संबंध को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यानी चीन अपने घुटनों पर आ गया है भारत के सामने। जब चीन की हालत हो गई है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के बलबूते उछलता है। वही मालदीव भी सहमा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह भी चीन भक्त है।
जब उसका मुखिया ही लोमड़ी बन चुका है, तो इन सब की क्या औकात है? तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।